हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं आपकी वर्सेस आपके पर्सन की, यानी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, करंट फीलिंग्स। ठीक है, हम आपकी करंट फीलिंग्स आपके कनेक्शन को लेकर, आपके पर्सन को लेकर भी देखेंगे, और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स ये भी हम देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप जब भी देखोगे ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी रिलेटेड टू एनर्जाइज जेम स्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, माय इंस्टाग्राम पेजेस, माय फेसबुक पेजेस एंड माय अदर टू यूट्यूब चैनल्स, जिनका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड थर्ड चैनल का नेम है पूर्वा घोष। तो ज़रूर चेक करें, ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो ज़रूर कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिले, कंटेंट्स मिले। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, ये आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं, करंट के पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिनके साथ आपका अनकन्फेस सिचुएशन है, या फिर एक सिचुएशनशिप चल रहा है। ठीक है, तो ये इंसान कोई भी आपका हो सकता है आपके लव इंटरेस्ट में से। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखें, जिनकी भी करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। लेट्स स्टार्ट। ओके, वी हैव डेविल, नो नीड टू वरी। ओके, बिकॉज आप लोग पहले इंटरप्रेट करके डर जाते हो, सो यस, नो नीड टू वरी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। वी हैव फाइव ऑफ वांड्स, we have page of swords, we have the tower, very intense feelings, we have four of pentacles, bottom of the deck we have five of cups। okay, सो गाइज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा इंटेंस चल रही है करंटली, बहुत ही ज़्यादा। आपके जो पर्सन है एक्सेसिवली ऑब्सेशन फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, दिन भर आपके बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आपको देख रहे हों, स्टॉक कर रहे हों, आपके बारे में सोचना, आप दोनों के चैट्स वगैरह हैं तो उसे पढ़ते रहना। ठीक है, हेवीली ऑब्सेशन ये इंसान करंटली आपके लिए फील कर रहे हैं। ठीक है, और इसी ऑब्सेशन की वजह से करंटली ये पर्सन इनर स्ट्रगल भी कर रहे हैं, इनर तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को आपकी चाहत हो रही है बहुत ज़्यादा, ये पर्सन आप तक कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। ओके, एंड आपको पाना चाहते हैं बेसिकली, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, बहुत परेशान हैं। एक तरफ उनकी खुद की लाइफ है और जो उन्होंने आपके साथ किया वो चीज़ें हैं, दूसरे तरफ इनका ये ऑब्सेशन जो आपके लिए डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं, अंदर ही स्ट्रगल चल रहा है कि क्या करें, ऐसा क्यों हो रहा है, और हो रहा है तो हम इनके करीब कैसे जाएं, यानी कि आपके करीब वो कैसे आएं, क्या आना सही होगा। ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रगल ये इंसान कर रहे हैं अपने ही अंदर, जो है खुश नहीं है। ठीक है, इनका पूरा ध्यान आपके तरफ है, लेट मी टेल यू, इनका बाकी चीज़ों में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। अगर काम करते हैं, स्टडी करते हैं, या फिर अपने लाइफ में, इनका फोकस नहीं बन पा रहा है, इनका फोकस बस आपके तरफ है। आपके साथ एक अलग अटैचमेंट, एक अलग पुल, एक अलग अट्रैक्शन ये इतने इंटेंस लेवल में फील कर रहे हैं कि ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। इनको आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर याद आ रही है, इस तरीके की याद आ रही है कि ये इंसान आपको किसी भी हाल में अपने करीब चाहते हैं, किसी भी हाल में, नो मैटर सेपरेशन हुआ है, नो मैटर इस पर्सन ने आपको चीट किया है, किसी और के साथ हैं, जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन आपको किसी भी हाल में आपको पाने की चाहत रख रहे हैं करंटली। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बस इनके पास आने चाहिए,
ठीक है, दूरियों को मिटाना चाहते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर ऑनलाइन डेटिंग है तो यू नो एक एंशियस वाली एनर्जी कि मुझे इनके पास जाना है या फिर इनको मेरे करीब लाना है, ठीक है, मुझे अब ये डिस्टेंस नहीं झेला जा रहा, मुझे अब ऑनलाइन डेटिंग नहीं किया जा रहा, अब मुझे फिजिकली मीट करना है या मिलना है, ठीक है, या इनके पास रहना है, ऐसी वाली एनर्जी चल रही है। तो अगर आप दोनों का अभी सेपरेशन हो चुका है, अगर आप दोनों मैरिड कपल्स भी थे लेकिन फिर भी आपका सेपरेशन हो चुका है, अलग हो चुके हो, ठीक है, तब भी ये इंसान फिर से रीयूनाइट करना चाहते हैं, बट क्योंकि आप दोनों पहले मैरिड थे एंड देन हो सकता है लीगली आप लोग अलग हुए हो, तो अब ये सोच रहे हैं कि अब इस हद तक ये इंसान आपको चाह रहे हैं कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इन्हें ऐसा फील हो रहा है, लेकिन आप कैसे करेंगे चीज़ों को जबकि ऑफिशियली आप दोनों अलग अलग हो चुके हैं, ऐसी वाली एनर्जी में ये इंसान स्टक हो चुके हैं, ठीक है, एक कश्मकश में फंस चुके हैं, अपने आप से ही लड़ाई कर रहे हैं, अपने अंदर ही लड़ाई चल रही है इनकी, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि डे बाय डे इनकी जो पैशन है, इनकी जो अट्रैक्शन है, इनका जो इमोशंस है वो आपके लिए हाई होते जा रहा है, बिकॉज इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो फिजिकल लाइफ में यानी कि 3D लाइफ में वो आपको चाहते हैं इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली, ठीक है, आपके तरफ इंटरेस्ट, आपके तरफ इंक्लिनेशन इस पर्सन का बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, मतलब वो जो चीज़ है ना वो एनर्जी इनके ऊपर हावी हो रही है, ये इंसान आपसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाएंगे अगर अभी भी सेपरेटेड हो, नो कॉन्टैक्ट पीरियड में हो, बिकॉज इस पर्सन का ध्यान आपके तरफ है, आपको हो सकता है नज़र नहीं आ रहा है कि ये इंसान आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही तो हो सकता है कि आप जज कर रहे हो कि अगर याद होते, याद करते तो बात कर लेते, मिलने आ जाते, कॉल कर लेते, लेकिन वो चीज़ नहीं कर रहे, लेकिन दूर से आपके बारे में इतने सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि खुद यू नो समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए इन्हें, इन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ठीक है, क्यों इतना ज़्यादा इंटेंस फील ये कर रहे हैं आपके लिए, क्यों आपके तरफ इतना खिंचाव इनका बढ़ रहा है, और अब ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके लिए पॉसेसिव हो रहे हैं, इंसान चिंतित हो रहे हैं, ठीक है, कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो, कहीं यू नो किसी ने आपका फ़ायदा ना उठा लिया हो अब तक, यू नो प्यार वगैरह के मामले में या फिर कुछ और, ठीक है, तमाम टेंशन इस पर्सन के करंटली दिलो दिमाग में चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, इनको ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो ये सिचुएशंस क्यों हैं ऐसे, सेपरेशन या किसी और को कोई और डेट कर रहे हैं आप किसी और के साथ हो, समथिंग लाइक दैट, या कोई फैमिली का इशू या कोई स्ट्रगल, कोई यू नो नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ईगो वाला चीज़, कुछ भी इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि प्यार है तो प्यार को इम्पोर्टेंस अब क्यों नहीं मिल रहा है, और अभी इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कैसे करें, स्टक सा फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन लग रहा है कि इनको ना किसी ने बांध रखा है, ऐसी वाली फील ये इंसान करंटली कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे क्लियरली यहाँ पर नजर आ रही है, चलिए आपकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, फिर हम इस पर्सन के एफर्ट्स वगैरह सब देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन आपकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके पर्सन के लिए और आपके कनेक्शन के लिए करंटली क्या है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू नो आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई की है, या आप इस पर्सन को वाइब्रेशंस भेजना चाह रहे हो, अफर्मेशंस बार बार आप हो सकते हैं डेली कर रहे हो, ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि इस पर्सन को यू नो वो चीज़ अफेक्ट की है किसी हद तक, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, ठीक, कुछ लोग आप लोगों से कुछ लोग कुछ तो ट्राई कर रहे हो, कुछ तो टेक्निक करने की कोशिश कर रहे हो, आई डोंट नो वाई बट यस, वी हैव द टावर, वाओ, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बड़ों डेक से वी हैव द हर्मिट। सो देखिए मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपके लिए अब इनफ है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे इमोशन से निकलना होगा, मुझे अपने पेन से निकलना होगा, मुझे पास से निकलना होगा, और मुझे अपनी जर्नी शुरू करनी होगी, और मुझे प्रैक्टिकली सोचना होगा, आपकी माइंड सेट ऐसी चल रही है कि अब आप इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करना चाह रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि जो सच है, जो रियलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो,
ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि जो इमोशनल लॉस आपको हुआ है, या फिर अगर आप इनका वेट कर रहे थे या दुखी होते रहते हो, तो आप उस एनर्जी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा स्ट्रांग, थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आप अपनी जर्नी में चलो। हो सकता है कि आप अपने ध्यान जो है ना इस कनेक्शन से हटाकर स्पिरिचुअलिटी में या बाकी चीज़ों में अपने डेवलपमेंट के लिए लगाना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें आपके साथ ख़राब तो हुई हैं, इस पर्सन ने आपके साथ यू नो हो सकता है कि आपको हर्ट किया है, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है, एक टाइम में आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद हम मिल सकते हैं, या कभी हम मिलेंगे, या फिर कभी हम दोनों के बीच में रियूनियन पॉसिबल होगा, लेकिन फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें, बिकॉज ये पर्सन हमसे अलग हुए हैं और अभी इंसान मज़े कर रहे हैं, इनके लाइफ में ऑप्शंस हैं, और हो सकता है कि ये किसी और को डेट कर रहे हैं या किसी और के साथ मज़े में है बेसिकली। तो आपको कहीं ना कहीं शक हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हैप्पी हैं आपके बगैर, और आपके पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस हैं, या बहुत सारे लोगों के साथ हो सकते हैं डेट कर रहे हैं या उनके साथ डील कर रहे हैं, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जिस तरीके से इनका वेट कर रहे हो या लॉयल हो या इनको याद करते रहते हो, वैसे आपके पर्सन आपके लिए नहीं करते, आपके पर्सन मज़े में हैं। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पेन में रहकर या मेरे वेट करने से या मेरे लॉयल रहने से क्या होगा, ठीक है, मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और मुझे अब जो है प्रैक्टिकली चीज़ों को यू नो कंटिन्यू करना पड़ेगा, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है हमें। तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने आप में चेंज लाना चाहते हो, ठीक है, आप मच्योर बनना चाहते हो, आप स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक तरफ होपफुल होते हो, लेकिन फिर आपको लगता है कि ये जो होप्स है या फिर आप जो अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो कि ये आपके लिए ही वेट करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, वो एक इल्यूजन है, वो एक फॉल्स है, वो सच्चाई नहीं है, और आपके पर्सन शायद किसी और के साथ ही मज़े कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या अफेयर में आ चुके हैं, और आप बस इनके यू नो सपने देखे जा रहे हो। तो आपको ऐसा फील होता है, मतलब जब आप पॉजिटिव होने जाते हो तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो नेगेटिव चीज़ है वो सच है, पॉजिटिव रहकर कोई फ़ायदा नहीं, होप रखकर कोई फ़ायदा नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा अपने लाइफ पर, अपने डेवलपमेंट पर, अपने स्पिरिचुअलिटी पर और अपने जर्नी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा रैदर देन इस पर्सन के। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि आपको धक्का लगा है, आपको चोट लगा है, लेकिन अब आप उस चीज़ से ओवरकम करना चाहते हैं, आप रेडी हैं, आपको बहुत अभी आपके लिए बहुत ईजी नहीं हो रहा है, आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन स्टिल आप ट्राई कर रहे हो कि यू नो आप गलत इंसान के लिए ना रुके रहो, या फिर आप जो है ना तड़पते रहो। तो मुझे लग रहा है आपकी करंट फीलिंग इस तरीके से है, जहाँ पर आप इमोशंस में और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। तो आप मुझे लग रहा है कि सही चीज़ गलत चीज़ दोनों चीज़ को सोच रहे हो, और उसके हिसाब से आपको भी लग रहा है कि मुझे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ज़्यादा यू नो इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहिए इस प्यार में, इस पागलपन में, ठीक है। तो आपकी करंट फीलिंग इस तरीके से चल रही है। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एफर्ट्स या फ्यूचर एनर्जी क्या होगी। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल नंबर 36, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39, अप्रिसिएशन नंबर 15। Bottom of the deck we have man holding a heart number 45. Okay. आपके पर्सन के एफर्ट्स होंगे, देखिए इस पर्सन को सेल्फ कॉन्फिडेंस की इस पर्सन को कमी है, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं आपके सामने, ठीक है, इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ है, इस पर्सन को इन्फीरियर फील होता है आपके सामने, इस पर्सन को एक्सप्रेस करने में दिक्कत है, ठीक है, ये पर्सन जो फील करते हैं वो बोलते नहीं हैं, नहीं बोल पाते हैं, या फिर इनकी आदत नहीं है बात करने की, एक्सप्रेस करने की, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इन सारी चीज़ों को ये इंसान फिक्स करेंगे, ये इंसान जो है हिम्मत लेंगे, ये इंसान आपसे बात करेंगे क्लियरली अपने फीलिंग्स के बारे में, जो इमोशंस इनके अंदर है, जो फीलिंग्स इनके अंदर है, ये इंसान कन्फेस करेंगे आपको, ठीक है, आप जो प्यार डिजर्व करते हो ये पर्सन वो प्यार आपको देने की फिर से कोशिश करेंगे, ठीक है, एक जेन्युइन लव, जेन्युइन ऑफर के साथ ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे या री एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे है विक्ट्री, यहाँ पे है एंजल ऑफ लव, यहाँ पे है डोर टू रोमांस, बैक टू बैक कार्ड्स, आप खुद ही देखिए, ठीक है, ये इंसान एफर्ट डाल रहे हैं गाइस, प्रेजेंट में भी ये इंसान ट्राई कर रहे हैं आप तक रीच आउट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, ठीक है, और ये चीज़ में ये इंसान सक्सेस पाएंगे। हो सकता है अभी ये नहीं कर पा रहे, अभी ब्लॉकेज है, लेकिन उन ब्लॉकेजेस को ये इंसान ज़रूर फिक्स करेंगे बहुत जल्द, टाइमिंग मैं देख लेती हूँ, ठीक है, और ये इंसान आपको प्यार देने की, जो आप डिज़र्व करते हो वो देने की, या फिर जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उन सारी चीज़ों को मीट करने की कोशिश करेंगे, चांस मांगेंगे, ठीक है। तो अगर सेपरेटेड हो ये इंसान लौट रहे हैं आपके लाइफ में, अभी से ये इंसान एफर्ट डाल रहे हैं जितना इनसे हो पा रहा है,
ठीक है, सबके लिए इजी नहीं होता, ठीक है, तुरंत मुंह पे बोल देना, एक्सप्रेस कर देना, दिल की बात सामने कह देना, सबके लिए इजी नहीं होता है, ठीक है। तो यस, ये टाइम ज़रूर लगाएंगे, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, इनका इनका आना आपके आपके पास शुरू हो चुका है। टाइमिंग मैं देख लेती हूँ कि कितने वक्त तक ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे या कितने वक्त तक यू नो इजहार करेंगे या फिर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे अपने तरफ से, अगर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन है तो। अगर बातचीत हो रही है, यूनियन में हो, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। इम्पल्सिवली सोचोगे कि जल्दी जल्दी कुछ करना है, डिस्परेट होगे तो नहीं होगा, पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। इस पर्सन के साथ आप फोर्सफुली नहीं कर पाओगे कुछ, और फोर्सफुली किसी के साथ भी कोई चीज़ नहीं की जा सकती, ठीक है। सो यस, टाइम दो, पेशेंस रखो एंड जस्ट गो विद द फ्लो। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी अगस्त सितंबर तक का टाइम आपको लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखो 3 to 4 months का आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यस, थोड़ा सा यहाँ पे वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, उसके बाद ये इंसान एकदम सॉलिड एफर्ट डालेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, फिर हम एंजल की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लाइफ के लिए। I want to have a balance between you and me. I wish I could reciprocate properly. तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इनको पता है कि ये ढंग से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके के फ्लो में इनको रहना चाहिए ये नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन ये फिर भी आपके साथ एक बैलेंस में आना चाहते हैं, लेकिन ये उस चीज़ में सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनको कुछ इशूज़ है, ठीक है। आई एम कमिंग बैक, विल यू एक्सेप्ट मी नाउ प्लीज़। यहाँ पर देखिए दो बार सेम नंबर आया, 6 6 6 या फिर 6 9, जैसे भी आप कह सकते हो, ठीक है। इन यंग की एनर्जीज है, मतलब आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो वापस आ रहे हैं, बट ये इंसान श्योर होना चाहते हैं पहले कि जो एफर्ट डालेंगे उसका कोई फल मिलेगा भी या नहीं, मैं यानी कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। लेट्स स्टार्ट अगेन फॉरगेटिंग द पास्ट, न्यू एक्सपीरियंसेस, नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर अगर इनका कोई यू नो पास्ट रहा है रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, तो हो सकता है उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वो आपके साथ भी यू नो अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनके साथ कुछ गलत हुआ था हो सकता है पास्ट में। तो मुझे लगता है कि ये इंसान हीलिंग पीरियड में है और अब हील करना चाहते हैं, भुलाना चाहते हैं पास्ट को, कोई भी पास्ट, उनके पर्सनल लाइफ से हो या फिर आप दोनों के बीच में कोई पास्ट हो, ठीक है, नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। आई एम ओवर पोजेसिव अबाउट यू, कांट यू बी देयर, तो उनका ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मज़े कर रहे हो लाइफ में, आप इधर उधर घूम रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, फ्रेंड्स बन गए आपके बहुत सारे, कुछ देर डेट वगैरह कर रहे हो, तो ये बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, और उनका ऐसा लग रहा है कि अभी आपका जो आपके जो कदम है वो ज़मीन में है ही नहीं, आप आसमान में उड़ रहे हो, यानी कि आप इन्जॉय कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी ये फील कर रहे हैं। तो थोड़े से टेंस्ड एंड थोड़े से इनसिक्योर भी ये इंसान है कि कहीं यू नो आप किसी और के ना हो जाओ। सो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लाइफ के लिए। We have the silence. Okay, so अभी आपका बताया जा रहा है ना कि आप बस रिलैक्स करो, आपको अपनी एनर्जी अभी इन्वेस्ट नहीं करनी है इस कनेक्शन में या इस पर्सन में। अगर बातचीत हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो भी ठीक है, अभी जस्ट चिल करो, अभी कुछ एफर्ट डालने की, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके उतना अभी आप रिलैक्स करो, साइलेंट रहो, आराम से रहो, मतलब अपने आप को पीस दो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ज़्यादा एक्सप्रेस करने की, ज़्यादा बात करने की, या यू नो कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ यू नो माइंड गेम्स खेलने पड़ेंगे या कुछ एफर्ट हमें डालने पड़ेंगे, कुछ ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, ठीक है, अपने आप को समय दो, अपने सोल को थोड़ा सा शांति दो, पीस दो, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है आराम से अभी रिलैक्स करो, अपना लाइफ का जो भी काम है उसे करो, और बाकी जितना हो सके उतना रिलैक्स करो, अपने आप को सूथ करने की कोशिश करो, म्यूज़िक सुनो या जो चीज़ अच्छी लगती है वो करो, ठीक है। तो रिलैक्सेशन अपने आप को दो, हो सके तो स्पा वगैरह में चले जाओ थोड़ा सा, ठीक है, सेल्फ पैम्परिंग करो। यस, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।